हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज को हम लोग रिव्यू करने वाले महिंद्रा बोलेरो नियो का। बोलेरो का क्रेज आपका नोटिस में ज्यादा है, सो वी विल सी वेदर द लीगेसी विल कंटिन्यू और नॉट। ये गाड़ी का शेप इट्स लाइक TUV 300, बट लेट्स सी कि ये गाड़ी TUV से कितना बेहतर है। वी विल डू एन डिटेल रिव्यू ऑफ दिस SUV, सो चले गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट वी विल शो यू द की। दिस इज द की आप जो स्कॉर्पियो एंड बोलेरो में पहले मिलता था, इट्स काइंड ऑफ द सेम की। एंड ये आपका अनलॉक बटन। बोलेरो नियो का आपको इंजन दिखा देंगे एंड विल टेल यू इसका स्पेसिफिकेशन। सो बेसिकली दिस इज द इंजन ऑफ महिंद्रा बोलेरो नियो। इस गाड़ी में आपको मिल रहा है एमहॉक 100 मीन्स इस गाड़ी में आपको मिल रहा है 100 BHP का पावर। एंड इसका इंजन डिस्प्लेसमेंट है 1493 cc। एंड इस गाड़ी में आपको टॉर्क मिलता है 260 mm का टॉर्क मिलता है। सो दिस इज द इंजन ऑफ दिस SUV। सो दिस इज द फ्रंट पार्ट ऑफ बोलेरो नियो। ये वाला जो ग्रिल है इट्स काइंड ऑफ द सेम जो आपका बोलेरो जो आपका BS6 बोलेरो में आ रहा था पहले, सेम है ये वाला ग्रिल। एंड यू गेट द महिंद्रा लोगो आउट हियर। एंड ये वाला लाइट सेटअप आप लोग देख सकते हैं, इसमें आपको LED मिलता है एंड प्लस यू हैव मल्टी रिफ्लेक्टर हेलोजन बल्ब इनसाइड का इंडिकेटर। एंड फॉग लैंप सेटअप भी आप देख सकते हैं। ये जो स्कॉर्पियो का है, लाइक पहले वाला जो स्कॉर्पियो आता था, ऐसा वाला फॉग लैंप आपको इधर मिलता है। एंड इफ यू टॉक अबाउट द टायर साइज, देन इस गाड़ी में आपको मिलते हैं 215x75 एंड R15 रिम्स मिलते हैं आपको इस गाड़ी में। एंड दिस इज द क्लैडिंग, यू नो, जो आपका महिंद्रा बोलेरो का डिज़ाइन है। बोलेरो में ये वाला चीज़ रहता है, सो ये वाला चीज़ आपको इसमें भी मिलता है। रियर का डिफरेंशियल के बारे में आप लोगों को थोड़ा देर में बताएंगे। एंड द मॉडल दैट वी आर रिव्यूइंग इज N10 महिंद्रा नियो N10। ये टॉप वेरियंट है। दिस इज द टेल लाइट। इसमें आपको LED नहीं मिलता है, सिर्फ आपको बल्ब वाला सिस्टम ही मिल जाता है। एंड रियर में आपको 4 सेंसर मिल जाते हैं। एंड यू हैव द फूट रेस्ट, बोलेरो नियो का बैजिंग। एंड यू हैव द वेपर, यू नो, पीछे भी आपको वेपर मिल जाता है। बट इसका जो रियर ग्लास इट्स वेरी बिग, जस्ट लुक एट दिस मैन। आपका जो विजिबिलिटी है बहुत बढ़िया मिल रहा है। यू हैव द रिफ्लेक्टर आउट हियर। एंड इसमें आपको टोइंग होक मिल जाता है गाड़ी खींचने के लिए। एंड द थिंग दैट यू नो द कंपनी इट्स क्लेमिंग मल्टी टेरेन व्हीकल, सो इसके बारे में आप लोग को बता देंगे। इसका जो रियर का डिफरेंशियल है इट्स लाइक डिफरेंशियल लॉकर, जो लॉक, यू नो, अगर एक पहिया हवा में रहता है देन द होल पावर विल बी डिलीवर्ड टू द व्हील दैट इज गेटिंग ट्रैक्शन। सो बेसिकली उसको बोलते हैं मल्टी टेरेन व्हीकल, सो इसका नाम ये देखे रखे हैं। एंड यू हैव द फ्यूल टैंक आउचर। या फ्यूल टैंक देखिए यार, इसका जो कैप है इट्स वेरी बिग, सो इसमें आपको मिलता है 50 लीटर्स की कैपेसिटी। सो दिस इज द साइड प्रोफाइल। एंड ऑब्वियम मिरर आपको स्कॉर्पियो का ही लगा के देख रखे हैं। ये वाला हैंडल भी स्कॉर्पियो का ही लगा के रखे हैं। सो दैट मीन्स इसमें सभी पार्ट इंक्लूड करके रखा है, लाइक स्कॉर्पियो का हाफ पार्ट एंड TUV का लाइक कंप्लीट बॉडी सेटअप देख के रखे हैं। यू टॉक अबाउट द बूट स्पेस, देन इस गाड़ी में आपको मिलता है 384 लीटर्स का कैपेसिटी। ये फोल्ड करने से यू नो एक बढ़िया रूम मिल जाता है। ये वाला चीज़ जो आपका स्पेयर व्हील है, स्पेयर व्हील का पीछे में आता है, सो ये अभी निकाल के रखें। दिस इज द ओवरव्यू ऑफ द बूट स्पेस यार। एंड इसमें जो आपका स्पेयर व्हील है, आपको एलॉय नहीं मिलता है, आपको एक रिम्स मिल जाते हैं। अगर ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हैं, इस गाड़ी में आपको मिलता है 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। एंड इसका व्हील बेस है 2680 mm का। एंड ग्रॉस व्हीकल वेट है 2215 kg। Now we will go in the interior part. Exterior तो सभी चीज़ आप लोग को बता ही दिया। एंड यू हैव द फूट रेस्ट हियर, इधर से आप आराम से गाड़ी में चढ़ भी सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। दिस इज द की। अंदर में आपको बेज का इंटीरियर मिल जाता है। आप दरवाज़ा खोलते हैं एंड यू हैव द लॉक आउट हियर। इधर कुछ बॉटल्स होल्डर मिल जाता है, मैगजीन एंड बॉटल होल्डर। दिस इज द पैडल। ड्राइवर साइड में आपको बैठ के दिखाएंगे इस गाड़ी का। सो बेसिकली दिस इज द की। अभी आप लोग को लगा के दिखाएंगे इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसका जो पार्ट है, यू नो, इट्स लाइक सभी चीज इधर इंक्लूड है। महिंद्रा बोलेरो, महिंद्रा स्कॉर्पियो, महिंद्रा थार, कुछ ना कुछ पार्ट तो यू नो महिंद्रा गाड़ी का लगा के रखे।
You have the instrument cluster out here. Left side में आपको मिलता है tachometer and on the right side you get the speedometer and dial से. The instrument cluster is like kind of same as Mahindra Thar. इस गाड़ी में आपको 7 inch का touch screen मिल जाता है. You have the controls here for radio, phone, information and equalizer, home. सभी चीज़ इधर ही आपको switch मिल जाता है. एंड एसी वेंट्स आपको आगे में 4 मिल जाते हैं. स्टीयरिंग व्हील के लेफ्ट साइड में आपको वॉल्यूम नॉब मिल जाता है, इधर से आप वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं. ऑन द राइट साइड यू हैव क्रूज कंट्रोल, सभी चीज़ आप इधर से सेट कर सकते हैं. जो पहले वाला बलेरो है उसमें आपका नहीं आता था, बट इस वाला वेरियंट में आपको मिल जाता है. एंड एसी इट्स काइंड ऑफ मैनुअल, आपको ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल नहीं मिलता है, सब आपको फैन वैन आपको खुद से एडजस्ट करना पड़ता है. एंड दिस इज द 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट एंड इधर आपको एक यूएसबी मिल जाता है. एंड दिस इज फॉर ऑक्स. एंड इस गाड़ी में आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का गियर बॉक्स मिलता है. एंड दिस इज सम स्पेस, आप कॉइन्स वगैरह कुछ रख सकते हैं. एंड पावर विंडो का स्विच आपको सब इधर ही मिल जाता है, यू डोंट गेट ऑन द डोर. जो बलेरो का यू नो बलेरो का बेसिकली सेंट्रल कंसोल में होता है, सो यू हैव द पावर विंडो स्विच आउट हियर. एंड ये रहा आपका हैंड ब्रेक, इधर 3 कप होल्डर है यार, इधर 3 जगह है सामान रखने के लिए. एंड यू हैव सम स्पेस आउट हियर. दिस इज द ग्लव बॉक्स, इधर कुछ सामान स्टोरेज के लिए थोड़ा बहुत स्पेस दे के रखे हैं. एंड एयरबैग इस गाड़ी में आप 2 मिलता है. दिस इज द रियर ग्लास, ये ऑटो डिमिंग वाला ऑप्शन नहीं, आपको नॉर्मली मिलता है. एंड दिस इज द लाइट्स, ये लाइट्स जो आपके स्कॉर्पियो से डायरेक्ट कैरी ओवर किया है. जस्ट लुक एट दिस सेटअप. एंड इधर आपको विनिटी मिरर में एक ग्लास मिलता है, इस तरफ में आपको ग्लास नहीं मिलता है. सो बेसिकली दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ द फ्रंट पार्ट. सीट कम्फर्ट इज वेरी गुड, यू हैव द आर्म सपोर्ट आउट हियर टू, सीट बहुत ही बड़ा है. नाउ कमिंग टू द रियर, अभी रियर वाला सीट आप लोगों को दिखाएंगे. इट्स वेरी हॉट यू नो राइट नाउ, अभी हम तिनसुकिया में ये वीडियो शूट कर रहे हैं, इट्स वेरी हॉट. आगे में आपको जो विंडो का स्विच है आपको आगे में नहीं मिलता है फॉर ग्लास, आपको पीछे में लेकिन आपको मिल जाता है इधर ही. इधर भी आप आराम से ग्लास रख सकते हैं, बॉटल 1 लीटर का बॉटल, नो प्रॉब्लम. इधर चढ़ के आप लोग को दिखाएंगे. द सीट कम्फर्ट इज वेरी गुड, इधर 3 बंदा आराम से बैठ सकता है विदाउट एनी प्रॉब्लम. जस्ट लुक एट दिस यार, सीट कम्फर्ट इज वेरी गुड आई मस्ट से. एंड इधर से गाड़ी तो अलग ही बड़ा लग रहा है यार, नेक्स्ट लेवल का लग रहा है. एंड रियर में भी आपको एक लाइट मिल जाता है एंड एक आर्मरेस्ट सपोर्ट इधर मिल जाते हैं. सो बेसिकली दिस इज द ओवरऑल रिव्यू ऑफ दिस महिंद्रा बलेरो नियो. आई गेस यू हैव एंजॉयड द रिव्यू एंड आई मस्ट से दिस विल बी गुड फॉर नॉर्थ ईस्टर्न. एंड जैसे कि आप लोगों को मालूम कि नॉर्थ ईस्ट का यू नो बंदा लोग गाड़ी बहुत ही खराब खराब रास्ता में चलाता है, सो दिस विल बी वेरी गुड. वन ऑफ माई ब्रदर फ्रॉम नागालैंड, ही वॉज रिक्वेस्टिंग द रिव्यू ऑफ महिंद्रा बलेरो, सो इसका वजह से मैं ये गाड़ी का रिव्यू किया. सो अगर वीडियो को अच्छा लगा देन प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट व्हेनेवर वी अपलोड एनी न्यू वीडियो आप वो पहले देख सकते हैं. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.